ये तुम पहला विकेट गिराओगे। 44 में 59 विकेट से पिछला मैच विकेटलेस गए थे अर्शदीप, पर गेंदबाजी अच्छी की थी। आज पॉइंट पहले ही पीछे डाल लिया है, फाइन लेग का क्षेत्र बिल्कुल खाली छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर है। स्विंग ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे और हो सकता है कि पहली 2-3 गेंदों में मिल भी जाए, उसके बाद चिड़िया उड़ जाएगी। कहते हैं स्विंग हवा से पहले आपके जहन में होता है पीपी जी, बिल्कुल। और वो लेंथ भी उधर आपको चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको स्विंग करानी है तो आपको अपनी लेंथ थोड़ी आगे रखनी पड़ेगी। अगर ये गेंद इसलिए भी स्विंग नहीं हुई क्योंकि वो बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी और शायद हाथ से छूटी भी नहीं। अच्छी शुरुआत वाइड से ज़रूर करिए, लेकिन अर्शदीप की कोशिश वही होगी कि वो आगे डाले, गुरबाज को LBW या बोल्ड करने की कोशिश करे। अब स्विंग हुई है और वाइड भी दी गई है। 120 गेंदों का मैच होता है, 122 का ऑलरेडी हो चुका है। पहली 2 गेंदे 2 वाइड सुरेश जी, बिल्कुल तो फील्ड ऐसे रखा है ना आकाश भैया, पहले वो बाहर डालने को देखा, दूसरा मिडिल लेग से अंदर लाने को, इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि शुरुआत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके हाथ में स्विंग है, जब अच्छा पेस है, स्टंप पे रखेंगे तो विकेट ऑटोमेटिक ही नए बॉल से कुछ ना कुछ करता है। ये पिच भी सपाट है, ग्राउंड छोटा और आउटफील्ड बहुत फास्ट है, बैट पे लगे गैप में जाए तो लिख लो चौका। कोशिश सही थी यहां पर अर्शदीप की, वो स्विंग का किया कराने की कोशिश, और स्विंग हुआ भी लेकिन अच्छी पोजीशन में थे गुरबाज, वो सर गिरा नहीं, गेंद के ऊपर थे और टाइमिंग भी अच्छा। आकाश ने बात करी कि ये आउटफील्ड बहुत ही तेज है और विकेट उससे भी ज़्यादा पाटा है, पर जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर वो दिखाना होगा अफगानिस्तान के ओपनर्स को, क्योंकि 50 रन की साझेदारी ज़रूर हुई थी लेकिन 48 गेंद हो गई थी। बट इससे पहले ये जो अर्शदीप ने जो गेंद करी वो निराश नहीं होंगे क्योंकि गेंद अंदर आई थी, स्विंग भी हुई थी। तो बहुत बढ़िया आई थी बल्ले से और गई सीधा गेंद फील्डर के पास। सुरेश, अगर ऐसी पिच हो जो पता है आपको सपाट है, तो क्या T20 आईज में भी, T20 क्रिकेट में भी अपने आप को वो 2-4-5 गेंदों का समय देना बेहतर है? जी बिल्कुल, जब आपको वो शॉट मिलते हैं ऐसे विकेट पे, ग्राउंड छोटा है जैसे आपने पहले बोला, तो क्रिकेटिंग शॉट पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए एज ए ओपनर, और गुरबाज में वो क्षमता है। आज देखना वो कितना इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं अपनी टीम के लिए। एक और डॉट गेंद, ग्राउंड एक्चुअली वाकई में ये बहुत छोटा है, कई बार तो यहां लगता है कि वो सिंगल डबल से ज्यादा आसान 6 लगाना है। सामने 70 दिखता है, पीपी है नहीं 70, ये मतलब फील नहीं होता है क्योंकि वो विकेट भी ऐसा है ना कि बाउंस अच्छा है, इसलिए आपको दिख रहा है खाली वो 70 छोड़ के हर जगह पे 50 का आंकड़ा ही लगा हुआ है, 50-60। और यहाँ पे गेंद कैरी भी करता है, बहुत बार हमने देखा है कि गेंद ग्राउंड के बाहर भी चली जाती है। ये गेंद ऊंची तो गई है, पीछे फील्डर पहुंचेगा नहीं पहुंच पाएगा। आगे तो जोर से थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन गेंद उनसे थोड़ा ज्यादा ही दूर चली गई। 145.2 की स्पीड से था वो बॉल, और ये देखिए जो आप बात करें था काश भैया विकेट के बारे में, थोड़े क्रैक जरूर है, जब स्पिन बॉलर आएंगे तो देखना हो, क्योंकि अच्छा रोल हुआ है विकेट, थोड़ा सा विकेट भी ब्लैक सॉइल भी दिख रहा है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा तो इम्पोर्टेंट होगा किस तरीके से गेंदबाजी होगी स्पिनर द्वारा। गति में परिवर्तन था और ये आज आपको लगातार दिखेगा क्योंकि वो थोड़ी सी सूखी है पिच। इंदौर में पीपी रनों की बहुत बारिश होती है, 9.9 रन प्रति ओवर वहाँ बाहर लिखा हुआ था, एक बोर्ड भी लिखा है वहाँ पे, नो एंट्री फॉर बॉलर्स। वो अब बेस्ट टोटल का वो आखिरी आंकड़ा देख ले, 260 रन।
टी गेम था, वो 50 ओवर का नहीं था। हाँ वही तो, मतलब ऐसा बॉलर्स ने कहा है, इंसानियत नहीं है क्या? और इसके बाद तो बैंगलोर भी जाना है, इसके बाद बेंगलुरु जाना है, इधर कुआं दूसरी तरफ खाई है, बहुत पिटाई है। पहले ओवर में आए मात्र 9 रन।